दोस्तों, यदि आप भी रोहित शर्मा को पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाते हुए देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विराट के चहेते एबी डिविलियर्स ने तोड़ दिया है करोड़ों भारतीयों का दिल। भारत पाक के ब्लॉकबस्टर मुकाबले के लिए अपनी भविष्यवाणी देते हुए मिस्टर 360 ने जो कुछ भी कहा है उसे सुनकर सच में आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। तो ऐसा क्या कह दिया है एबी डिविलियर्स ने जो भारतीय क्रिकेट में भूचाल आ रहा है, उसका वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही किसे बताया है एबी ने इस दुनिया के सबसे बड़ी राइवलरी का विजेता, वो भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है सबसे महान बल्लेबाज और कप्तान, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, 2022 T20 विश्व कप का बिगुल बज चुका है जिसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के महामुकाबले से हुई है। लेकिन इस विश्व का प्रमुख आकर्षण और सबसे बड़ा मुकाबला 23 अक्टूबर के दो सबसे बड़े जानी दुश्मन भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है, जिसके लिए सारी दुनिया में रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका है और हर एक क्रिकेट प्रेमी बड़ी बेसब्री से पलके बिछाए इस मुकाबले के शुरू होने का इंतजार कर रहा है। इसी कड़ी में दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज और सेलिब्रिटी भी आते हैं जिन्होंने इस बेहद खतरनाक मुकाबले के लिए अपनी कई भविष्यवाणियां की हैं। लेकिन अब क्रिकेट के गलियारों से एक ऐसी भविष्यवाणी निकल कर आ रही है जिसने भारतीय टीम के साथ साथ 130 करोड़ भारतीयों के होश उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, भारत और अपना दूसरा घर बताने वाले एबी डिविलियर्स ने इस मैच के लिए अपनी भविष्यवाणी देते हुए एक दिल दहला देने वाला बयान जारी किया है और उसमें कई ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। उन्होंने अपना बयान देते हुए कहा है कि फाइनली वो घड़ी आ गई है, बहुत जल्द भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच शुरू होने वाला है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं और फाइनली इस बार मैं अपने घर में बैठकर इस मैच का लुफ्त उठाऊंगा। ये मैच इस विश्व कप के फाइनल से भी बड़ा होने वाला है। दोनों टीमों में ऐसे खिलाड़ियों की भरमार है जो अकेले दम पर मैच को पलट कर रख सकते हैं। ऐसे में हमें एक बेहद हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा दिल भारतीय टीम के साथ है और मैं हमेशा यही चाहूंगा कि भारतीय ही इस मैच को जीते। और केवल इतना ही नहीं, मुझे तो ये भी लग रहा है कि भारतीय टीम इस बार का विश्व कप अपने नाम करने वाली है। हालांकि पाकिस्तान की टीम भी मजबूत है, लेकिन यदि आप उनकी भारतीय टीम से तुलना करते हैं तो भारत कहीं आगे है। भारतीय टीम के पास पाक से बेहतर खिलाड़ी मौजूद हैं जो उन्हें इस मैच में प्लस पॉइंट देते हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान भारतीय टीम को हरा पाएगी, भारत इस मैच को आसानी से जीत लेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले में रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव में से कौन सबसे अधिक रन बनाएगा? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।